हरिद्वार में प्रस्तावित रिंग रोड निर्माण को लेकर बैठक आहूत की गई, जिसमें अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, एनएचएआई, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में एनएचएआई अधिकारियों के द्वारा रिंग रोड निर्माण के लिए तैयार डीपीआर की प्रेजेंटेशन भी दी गई, जिसमें रोड का अलॉटमेंट, ट्रैफिक सर्वे आदि की जानकारी उपलब्ध कराई गई। वहीं अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि अभी इस मार्ग को बनाने की रूपरेखा पर चर्चा की गई है। रिंग रोड के निर्माण में राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र को कम से कम शामिल किया जाएगा। अभी तो अध्ययन किया जा रहा है कि इसको किस प्रकार बनाना संभव है और इसमें क्या दिक्कतें आएगी, क्या इसका संरेखण क्या हो सकता है, अलाइनमेंट क्या हो सकता है। इसमें मुख्य दिक्कत जो है वो यह है कि राजाजी नेशनल पार्क का क्षेत्र पड़ रहा है, तो वो कम से कम पड़े, उसके ऊपर एलिवेटेड रोड्स बने, और दूसरा लैंड एक्विजिशन वगैरह की दिक्कतें होंगी, उसमें भी मकान वगैरह कम से कम आए, तो ये सब चीजें अभी देखी जा रही। इस दौरान हरिद्वार डीएम दीपक रावत ने कहा कि प्रारंभ में 43 किलोमीटर रिंग रोड का आकलन किया गया है। अगर ये रोड आगामी 2019 कुंभ मेले से पहले तैयार हो गया तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को जाम से निजात मिलेगी और शहर से बाहर आवाजाही में भी इसका लाभ मिलेगा। तो इसमें एक इस तरह का रिंग रोड जिसमें कि जिसको हरिद्वार नहीं आना है तो वो शहर की तरफ बिल्कुल ना है। सेकेंडली, जो हरिद्वार के लोग भी हैं वो भी ये कुंभ के दौरान, उनके भी बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जो बाहर जाके करने हों और उन्हें शहर के बीच से गुजरना होता है, ट्रैफिक बंद रहता है, ऐसा ना हो, इस सबको देखते हुए एक फिजिबिलिटी बेसिकली स्टडी अभी की जा रही है। कितना इसका बेनिफिट हमको हो सकता है, कितनी ज़मीन एक्वायर करनी पड़ेगी, फॉरेस्ट की कितनी ज़मीन जाएगी, राजा जी को हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, उसको लेके है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें एटलीस्ट जो हमारा कुंभ आने वाला है उसमें अगर उससे पहले पहले ये बन जाए तो निसंदेह हमें ट्रैफिक मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा इससे फायदा। कहाँ से कहाँ तक रिंग रोड होगा? अभी तो ये एक्चुअली पूरा का पूरा जो है लगभग 43 किलोमीटर के आसपास आ रहा है। वहीं पुल, टनल, राजाजी क्षेत्र और भूमि अधिग्रहण आदि पहलुओं पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को जल्द ही डीपीआर करने के निर्देश भी दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।